बेलबाग थाना क्षेत्र में तुलसी मोहल्ला मरही माता मंदिर के पास बैठकर एक शातिर बदमाश नशीले इंजेक्शन बेच रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद बेलबाग पुलिस ने घेराबंदी की और युवक को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास थैले में रखे 26 नशीले इंजेक्शन एवं निडल सहित 700 रुपए जब्त किए गए हैं। बेलबाग थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि तुलसी मोहल्ले निवासी 30 वर्षीय जयंत राय मरही माता मंदिर के पास बैठकर लोगों को नशीले इंजेक्शन बेचता है। मुखबिर की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीम ने घेराबंदी की और जयंत राय को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी जयंत राय के कब्जे से 13 एबिल इंजेक्शन और 13 ब्लूफिन इंजेक्शन और 8 निडल एवं 700 रुपए नकद बरामद किए हैं। अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा सभी थाना प्रभारी गण को हम लोग को निर्देशित किया गया है कि थाना क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री ना हो, उनको रोकथाम की जाए। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर जबलपुर, सीएसपी महोदय ओमती के द्वारा निर्देशित किए जाने पर मुखबिर की सूचना पर थाना बेलवा पुलिस के द्वारा विगत दिवस तुलसी मोहल्ला निवासी जयंत राय, जो विगत कई वर्षों से नशीले इंजेक्शन बेच रहा था, पुलिस के द्वारा 13 नग एबिल और 13 नग बुपिन इंजेक्शन डिस्पोजेबल सिरिंज के साथ जब्त किए गए हैं। इसके द्वारा बताया गया है कि महेश साहू निवासी तुलसी मोहल्ला के द्वारा वो उसको सप्लाई किए जाते थे। एक और तुलसी मोहल्ला निवासी ही महेश साहू की तलाश की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई, इसे आज न्यायालय पेश किया जाएगा।